बांग्लादेश के क्रिकेटर शाकिब अल हसन ने काली पूजा में हिस्सा लिया, जिसके बाद उन्हें कट्टरपंथियों ने जान से मारने की धमकी दी थी। कंगना रनौत, जो कि सोशल मीडिया पर बेहद सक्रिय हैं, अब उन्होंने कट्टरपंथियों को आड़े हाथों लिया है। कंगना ने ट्वीट किया है, उन्होंने लिखा, क्यों डरते हो इतना मंदिरों से, कोई तो वजह होगी, यूं ही कोई इतना नहीं घबराता। हम तो सारी उम्र मस्जिद में बिता दें, फिर भी राम नाम कोई दिल से नहीं निकाल सकता। खुद की इबादत पे भरोसा नहीं या अपनी ही हिंदू अतीत तुम्हें मंदिरों की ओर आकर्षित करता है, पूछो खुद से। एक अन्य ट्वीट में कंगना रनौत ने लिखा, अपने ही देश में गुलाम की तरह व्यवहार किए जाने की वजह से बीमार और थक गए। हम अपने त्योहार नहीं मना सकते, सच नहीं बोल सकते, हम आतंकवाद की निंदा नहीं कर सकते। ये क्या बात हुई कि अंधेरे के रखवालों द्वारा ऐसे गुलामों के जीवन को नियंत्रित किया जाता है। कंगना ने ट्विटर और ट्विटर इंडिया को टैग करते हुए इस्लामिक प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए निशाना साधा। कंगना लिखती हैं, जैक ट्विटर और ट्विटर इंडिया, आप पक्षपात करते हैं और इस्लामिक प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, जो कि शर्मनाक है। आप पर शर्म आती है, उस दिन का इंतजार कर रही हूं जब आप इसे भारत में प्रतिबंधित करेंगे। पीएमओ को ट्विटर के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। आपको बता दें कि 16 नवंबर को शाकिब अल हसन काली पूजा करने के लिए कोलकाता पहुंचे थे, जिसके बाद उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई। शाकिब अल हसन ने काली पूजा का फेसबुक लाइव किया, तभी उन्हें एक शख्स ने अपशब्द बोलते हुए जान से मारने की धमकी दी थी। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।